हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का 12वां चैप्टर, जिसका नाम है हार जीत, जिसके राइटर हैं अशोक वाजपेयी। इन्हीं के पाठ को आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आपको ना ही इसके ऑब्जेक्टिव रटना होगा और ना ही इसके सब्जेक्टिव को रटना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं आप कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके सबसे पहले लेखक के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं, है कि नहीं। चैप्टर के नाम आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि चैप्टर कौन सा है, हार जीत। इसके राइटर हैं अशोक वाजपेयी, ठीक है। चलिए अब जो है आपसे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम जो है पूछते हैं। आपसे कहा कि हार जीत जो है कैसी कविता है, तो हार जीत जो है एक गद्य कविता है। गद्य खंड और काव्य खंड समझते हैं आप। गद्य खंड में जो कहानी होता है, जो हम लोग 13 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो वैसे ही ये जो कविता है हार जीत एक गद्य कविता है। आ गद्य कविता उसे कहते हैं जिसमें हमनी के दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं, विचारों और सामान्य बोलचाल को लिखा जाता है। और गद्य कविता के जो शब्द होते हैं, एक एक शब्द का अर्थ जो है बहुत सारा होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा इसी चैप्टर में, 9वां या 10वां नंबर प्रश्न है कि गद्य कविता किसे कहते हैं, जवाब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है प्रश्न आपसे पूछा कि अशोक वाजपेयी जी का जो है जन्म कब हुआ। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो है 16 जून 1948 को हुआ। कब? 16 जून 1948। फिर आपसे प्रश्न पूछा कि आखिर कहाँ हुआ था जन्म। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, दुर्ग में हुआ था, जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका जो मूल निवास है, मूल निवास कहे का मतलब ये कहाँ अपन जीवन गुजारें, कहाँ रहें, तो इन्होंने अपना मूल निवास सागर, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मूल निवास सागर जो मध्य प्रदेश में है वहाँ है इनका, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा कि इनके माता जी का क्या नाम है। तो अशोक वाजपेयी जी के माता जी का नाम निर्मला देवी है और इनके पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनकी शिक्षा कैसे हुई। तो इनकी शिक्षा जो है, शुरुआती शिक्षा जो है अपने इका बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश में ही रहते थे, तो वहीं से जो है शुरुआती शिक्षा मिडिल स्कूल तक हुई। उसके बाद जो है इन्होंने बीए किया। अब बीए कहाँ से किया, तो सागर यूनिवर्सिटी से किया। सागर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो एमपी में ही है। उसके बाद इन्होंने एमए किया। एमए कहाँ से किया, तो स्टीफेन कॉलेज से किया, ये भी जो है मध्य प्रदेश में ही है। और एगो अब इनके खास बात हम बता दें, तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा कहे के मतलब यूपीएससी क्लियर करके जो है ये गए हैं और अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है। अब जो है आपसे पूछल जाए कि इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है। तो इनको सम्मान मिला है साहित्य अकेडमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, इनको सम्मान मिल चुका है। विदेश सरकार से भी जो है इन्हें सम्मान मिल चुका है। फ्रेंच सरकार द्वारा जो है 2005 में इन्हें सम्मान दिया गया और पोलिश सरकार द्वारा इन्हें 2004 में सम्मान दिया गया, याद रखिएगा। अब जो है इनकी कृतियां कौन कौन सी है, तो इनकी कृतियां हम कहें तो लगभग इन्होंने 3 दर्जन से भी अधिक कृतियां, मतलब कि कविता, कहानी, ये सब जो है इन्होंने लिखा है। लेकिन जो प्रमुख हैं वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि घास में दुबका आकाश किनका है, अशोक वाजपेयी जी का है। अविन्यो किनका है, तो अशोक वाजपेयी जी का है। बहुरी अकेला अशोक वाजपेयी जी का है। शहर अभी संभावना है, ये भी जो है अशोक वाजपेयी जी का है। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी जी का ही है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट द बुक रिव्यू के जो है संपादक रह चुके हैं अशोक वाजपेयी, द बुक रिव्यू के संपादक रह चुके हैं। और एगो सबसे बढ़िया हम प्रश्न बताते हैं, आपसे पूछ देवे कि हारजीत कविता कहाँ से लिया गया है। तो हारजीत कविता जो है कहीं नहीं वहीं, ये जो है एगो कविता संग्रह है जो अशोक वाजपेयी ही लिखे थे। आ कैसी कविता है तो गद्य कविता, आ इसी से लिया गया है हारजीत। कहाँ से? कहीं नहीं वहीं से लिया गया है हारजीत। आ हारजीत भी जो है एगो गद्य कविता है। गद्य कविता की खासियत का है तो सामान्य बोलचाल वाली भाषा में लिखल जाता है और मनुष्य के विचारों के ऊपर गद्य कविता लिखी जाती है। और इन कविताओं के जो शब्द होते हैं उनके एक एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। ठीक है, अब जो है आपको हम ये कविता पढ़ा रहे हैं और यकीन मानिए इस कविता को जो है रियल में आम जनता और नेताओं से जोड़कर जो है लिखा गया है कि आम जनता जो है किस प्रकार जनताओं के आम जनता जो है किस प्रकार नेताओं के शोषण को झेलती है और उनके कहने पे जो है कार्य करती है। आइए समझते हैं। चलिए, कह रहे हैं वे उत्सव मना रहे हैं, वे मतलब जनता, ठीक है, जो आम जनता है, तो वे उत्सव मना रहे हैं। आम जनता जो है उत्सव मना रही है, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। अब पूरा शहर में जो है लाइट बत्ती बार दिया गया है, काहेला, काहे कि उत्सव मनाया जा रहा है, खुशी मनाया जा रहा है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा कि जनता जो है उत्सव क्यों मना रहे हैं, तो जनता उत्सव इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उनको बताया गया है कि उनकी जो सेना है और जो उनका रथ है वो विजय प्राप्त करके, मतलब कि जीत करके लौट रहा है। आगे, नागरिकों में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था। देखिए, आम जनता जो है यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं, लेकिन आम जनता किस लिए मना रहे हैं, तो उनको बताया गया, कोनो बता दिया, यहाँ पे नेताओं के बारे में डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लेखक कह रहे हैं कि कोनो नेता जो है आम आदमी के बताया कि अरे बाजा उजा अपन शहर में लगाओ, पार्टी उटी करो सब, काहे ला पता नहीं है, नेता कह दिए तो मन रहा है। तो वही पे लेखक कह रहे हैं कि नागरिकों में से ज्यादातर नागरिक को तो पते नहीं है कि किस युद्ध में होकर सेना गया था और कौन हारा है कौन जीता है पते नहीं है। नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना गई थी और शासक गए थे और युद्ध कौन सी बात पे हुआ था, नहीं पता है। जब नेता कोनो आपके शहर में आते हैं तो बता के थोड़ी आते हैं, खाली कह देवल जाता है आ रहे हैं तैयारी करके रहो। अरे काहे ला आ रहे हैं ये आम जनता के नहीं मालूम होता है, लेकिन आम जनता जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है, पता नहीं है फिर भी। ठीक है, वही बात यहाँ कहा गया है। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। जो आदमी खुशी मना रहा है, उत्सव मना रहा है आम जनता, उसको यह भी पता नहीं है कि कौन दुश्मन था कौन शत्रु था और वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में लगे हैं। जो आम जनता खुशी मना रहा है, पते नहीं है कि दुश्मन कौन था जिससे लड़ के आ रहे हैं, तो हम लोग खुशी मना रहे हैं, आप फिर भी खुशी मना रहे हैं, आम जनता कर रही है कि नहीं। काहे कि उन पे जो शासक वर्ग के लोग हैं, नेता राजनेता पैसा वाला लोग, वो लोग ऑर्डर दिए हैं, मना रहे हैं। सिंपल सी भाषा में उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, उनकी से आश्रय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। आम जनता क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो सिर्फ उनको कुछ पता नहीं है, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, सिर्फ उनको इतना कहा गया है कि तुम्हारी जीत हुई है, बस इतने कहा गया है, वो लोग विजय मना रहा है। उनकी जीत हुई है मतलब किसकी जीत हुई है ये भी पता नहीं है, उनकी मतलब कौन है, उनकी से आश्रय, उनकी मतलब कौन है ये भी पता नहीं है कि किसकी जीत हुई है, विजय पर्व मना रहे हैं,
ये आम जनता है जो कुछ बात नहीं सोचती है, अगर उनकर नेता कह दिए कि आज मनावेला है धूमधाम से मनावेला है, ये होता है बेवकूफी। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं। किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिकों की, किसी के पास पूछने का समय नहीं है। आम जनता क्या कर रही है सर, खुशी मना रही है। उनको तो इतना भी पता नहीं है कि उनकी जीत हुई है तो उनकी है कौन। ठीक है, आ किसकी विजय हुई है, सेना के विजय हुआ है, सेना मतलब सैनिक के, कि शासक के, शासक मतलब जो जनता पे शासन करता है, कि नागरिक के जो आम जनता है उसकी जीत हुई है, कौनों के कोई पता नहीं है। आ किसी के पास पूछने के लिए अवकाश मतलब कि समय नहीं है, काहे कि वो लोग तैयारी में लगल है। एग्जाम्पल देखिए, जब कोई नेता मंत्री आता है, जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है, कौनों के पता नहीं है कि काहेला तुम जिंदाबाद कर रहा है, काहेला तुम इतना खुश है, लाइट बत्ती काहेला लगल है, अरे हमर नेता आ रहे हैं हम खुशी मना रहे हैं, बस इतने पता है ओकरा, कौनों के कुछ नहीं पता है। यहाँ पे ई कहा गया है। ठीक है, आगे नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। जो नागरिक, जो आम जनता खुशी मना रही है, पर्व मना रही है, उनको तो ये भी पता नहीं है कि युद्ध में के गो सैनिक गया था, के गो सैनिक जीत के आया है, के गो सैनिक जीत के आया है, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, आ के गो सैनिक लापता है, मतलब खेत मतलब लापता, के गो सैनिक लापता है, ये भी जो है पता नहीं है। यहाँ इस लाइन के माध्यम से लेखक कह रहे थे कि जब युद्ध होता है तो उसमें सैनिक युद्ध करे जाते हैं, आ उसमें जो है, जैसे हमनी के मान के चलिए हमनी के देश के जो सैनिक है वो किसी देश के देश से जो है युद्ध कर रहा है, तो उसमें से जो है बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, बहुत सारे सैनिक जो है जिंदा बचते हैं, तो जिंदा जो बचते हैं उनके साथ तो हम लोग खूब धूमधाम से पर्व मनाते हैं, लेकिन ये हम लोग भूल जाते हैं कि उस युद्ध को जीतने में मरने वाले सैनिक ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि खेत रहने वालों यानी जो लापता सैनिक हैं उसके बारे में सूचना हिले नहीं है कि कौन जो है सैनिक मारा गया है। ठीक है, आइए, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है, यहाँ से अब जो है फिर चेंज होता है, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है। देखिए, हम पहले ही बताए थे कि ये एगो गद कविता है, गद कविता मतलब एक एक शब्द का अर्थ जो है अनेक है, आप पढ़ेंगे हो सकता है इसका अर्थ दूसर निकले। ठीक है, लेकिन कविता के अनुसार, आपके पाठ के अनुसार, ट्वेल्थ के अनुसार यही अर्थ है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला, बूढ़ा मशक वाला मतलब कि एगो बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, तो सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। सब व्यक्ति खुश है, काहे तो जीत के पर्व मना रहा है, उसको बताया गया है कि उनकी जीत हुई है। ठीक है, लेकिन एगो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है जो सड़क को क्या कर रहा है, सींच रहा है, सींच रहा है मतलब सड़क पे पानी पटा रहा है, सिर्फ उहे कह रहा है कि हम लोग जीते नहीं हैं, एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। एक वो व्यक्ति है जो बूढ़ा व्यक्ति पानी पटा रहा है सड़क पे, काहेला पानी पटा रहा है, तो जब देखिएगा नेता मंत्री आता है तो रोड पे पानी पटावल जाता है कि धूरी उड़ी जो है नहीं उड़े। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बूढ़ा व्यक्ति जो है पानी क्यों पटा रहा है सड़क पे, तो जब पर्व मनता है, खुशी मनता है, नेता लोग आते हैं तो धूल नहीं उड़े रोड पे, इसीलिए पानी पटावल जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो वही व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो है सिर्फ कह रहा है कि एक बार फिर हम लोग हार गए हैं और हम लोग जो हैं गाजे बाजा मतलब कि बाजा एकदम डीजे उजे बजा के जयकारा लगा के आ रहे हैं,
आप जीत की खुशी नहीं मना रहे हैं, एक बार फिर हार गए हैं। ये कहने का मतलब था बूढ़ा व्यक्ति के कि आप लोगों को फिर एक बार जो है नेता लोग बेवकूफ़ बना दिया है कि हम जीत गए हैं और आपको जो है झांसा देके फिर वो आपसे वोट लेगा। ये बूढ़ा व्यक्ति जो है एक्सपीरियंस व्यक्ति है, इसीलिए ये अकेले है। ठीक है, आगे देखिए। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और अच्छा यह है। अब बूढ़ा व्यक्ति जो कहता है कि फिर हम लोग एक बार हार गए हैं, ओकरा पे कोनो ध्यान नहीं देता है, हम लोग जीत के जश्न मनाते हुए जा रहे हैं। कोनो एगो व्यक्ति अगर कहे कि हम हार गए हैं, अब वो रोड पे पानी पटावे वाला, आप सुनिएगा ओकर बात? नहीं सुनिएगा। तो वैसे बूढ़ा व्यक्ति पर जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और अच्छा यह है कि उस पर सर के सींचने भर की जिम्मेदारी है सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। बूढ़ा व्यक्ति के लिए अच्छा बात यह है कि सिर्फ उस व्यक्ति को का काम दिया गया है, तो सड़क पर पानी पटावेला। ठीक है, सड़क पर पानी पटाने की उसको सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है, सच को ना ही बोलने की जिम्मेदारी दी गई है और ना ही उसे लिखने की जिम्मेदारी दी गई है। जो बूढ़ा व्यक्ति है जो पानी पटा रहा है रोड पे, उसे सिर्फ काम का है रोड पे पानी पटाना। गरीब व्यक्ति है भाई, पानी पटावे वाला है, तो उस सच बोलेगा तो ओकरा कोनो मार के भिला देगा। इसीलिए जो है उसको सच बोलने और सच को लिखित रूप में देने का कोई हक नहीं है, ये कहा गया है। दर्ज करने की नहीं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में कहा गया है जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। जिन पर कहने का मतलब नेताओं से है कि नेता लोग जो हैं अपने सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। ऐसा कहे के मतलब है कि नेता लोग हार भी जाता है तो अपन लाज शर्म बचाने के लिए अपन जो है चेला चपटिया के साथ जय जयकारा लगावे तो अपन क्षेत्र में आता है यार एक वोट से हार गए हैं, पांच वोट से हार गए हैं। वही यहाँ पे कहा गया है कि जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं, उहे जी अपन जीत के खुशी जो है मना रहे हैं। ठीक है, यह पूरी कविता का अर्थ हमने आपको समझाया, और जाहिर सी बात है इतना आसान कविता जो है आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप इसके नोट्स को चाहते हैं ना सर, तो आप जो है क्या करेंगे, तो सिंपल सी भाषा में बताएं तो आप अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, जिस एप्लीकेशन का नाम है SGS क्लासेस, और इस पे जो है आप हिंदी के नोट्स को जो है ले सकते हैं। ठीक है, अब जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं, अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।